ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਨੌਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਸ। 32 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਆ ਕੈਪਚਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣੇ जो पुलिस के वालों दोवें ही शूटरों दिया जो तस्वीरें ने वो जारी की गई ने। 32 साल के गुरप्रीत सिंह का गोलियां मार के इन मुलजमान के वालों बदमाशों के वालों ही कतल किया गया। जी हरीनौच गुरप्रीत नाम के व्यक्ति का कतल होया जो तफ्तीश कर रहे सीसीटीवी के चेक किए माध्यम रही वीडियोज है फोटोज ने ये सानू लभियां ने इन्हों सस्पेक्ट मन के चल रहे हैं जिन्होंने इस जुर्म च वारदात भाग लिया है। तो असी ये माध्यम राही सारे अपील करते हैं कि जिसनों भी यहोजे बंद इधर के हुले के बंद की जिन्हों को इदा का मोटरसाइकिल है जो लाल रंग का कहा जाता है कोई जानकारी है तो तुरंत फरीदकोट पुलिस को इस बारे सूचित किया जाए। जिदा कि नंबर 1-800-1433-5311 गल करिए बड़ी मंदभागी घटना जी पिंड हरीनौ कोटकपुरा विखे हुई तो गुरप्रीत सिंह हरीनौ उन्हों मार दिता जाता तो कुछ व्यक्ति अणपछाते व्यक्ति जो मोटरसाइकिल आते हैं तो आन सार फायरिंग शुरू कर दें। तस्वीर दिखावे जो फायरिंग करते हैं तो गुरप्रीत सिंह जरा इतने अपने बाइक से आता वो इतने डिग जाता तो सब तो वड्डी गल है कि पिंड में आके इस तरह की घटना अंजाम दिता जाता तो एक गोली इत्थे वजदी है तो उस तो बाद गुरप्रीत सिंह इत्थों भजदा तो पिछे गली विच चला जाता था। लेकिन करीब दस दिए कि हुण 18 घंटे तो उपर का समा हो चुका तो पुलिस के हाथ हजे तक भी खाली ने। सिर्फ सीसीटीवी खंगालन ते पुलिस अधिकारी जड़े ने वो लगे हुए हैं तो आला अधिकारी इत्थे पहुँचे सी उन्होंने आके तो पिंड गलबात की परिवार ने मुलाकात की। लेकिन परिवार एक ही गल कर रहा कि सानू इंसाफ चाहिए तो गुरप्रीत सिंह जी गल करिए परिवार ते पिंड दे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत चंगे विहार का व्यक्ति सी, हर एक नाल मेलजोल रखता सी। तो इस तरह उसके घर तो 300 मीटर को घर भी नज़दीक सी। आने सार जिहड़े बाइक ते आउंदे ने पुछदे ने कि गुरप्रीत सिंह जिहड़ा कि टोक ना दे आईडी चलाउंदा है उसका घर किहड़ा है तो उस तो बाद गोलियां मारनियां शुरू कर देंदे। जो गुरप्रीत सिंह एक चोन प्रचार करन तो बाद इत्थे आउंदा तां इत्थे गुरप्रीत सिंह जिहड़ा सामने गेट तो देख सकदे हो कि भजदा तो वह बट्ठल कोले जिहड़ा देख रहा साफ देख रहा कि इतों भजदा है तो उत्थे गोली वजदी है क्योंकि इतों गोली वजन तो बाद उत्थे जाके वह डिग पैंदा है। तो इतों तक नहीं कि मगर जाते हैं जेड़े व्यक्ति मारन आए सी जेड़े दोषी जेड़े रोपी सी ने जिन्होंने व्यक्ति गोली मारन आए सी तो मगर तक जाते हैं गेट पर जाते हैं तो उत्थे उन्होंने फिर ढा के द्वारा फायरिंग शुरू कर देंगे। 4 to 5 के करीब जो फायर है वह किए जाते हैं। तस्वीर तुम्हें एक बार दिखा दा कि फिर इतने जो फायर है जोड़े वो किए जाते हैं। तो राउंड लिखा गया कि तीजा फायर क्योंकि पुलिस ने जरा दस दिए कि सीन जो क्राइम सीन है उन्होंने इतने डिटेक्ट किया 3 लिखा 03 तीजा फायर चौथा फायर इतने वजह तो इतों भज के गुरप्रीत सिंह अपनी जान बचाने के लिए जाता तो एक दरवाजा करता खड़का तो लेकिन दरवाजा नहीं खोल खुलता तो उत्थे ही डिग पैंदा। डिगन तो बाद जेडे उसनों फिर मुद्दा करके गोलियां जिहड़ियां ने वह मारिया जाने। लेकिन सवाल है पुलिस के खड़े होंगे ने आखिरकार कि कितने ने पुलिस के वो दावे कि हथियार आ जोड़े वो जमा ने कोई बंदा हथियार आ जोड़ा नहीं लैके चल सकता